इसका एक लेसन हुआ है जिसमें हमने प्रोफाइल बनानी सिखाई है, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं दोबारा से शेयर करूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रोफाइल बनानी है। अगर आप टिकटॉक बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको ईजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो सोशल मीडिया के यूज़र्स होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें समझनी आसान है जो पहले से सोशल मीडिया के यूज़र हैं, इसलिए कि हमने मोस्टली काम सोशल मीडिया से एलिमेंट ही करना है, तो जब उन प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हों तो इजीली काम कर सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं जी हमने ये प्रोफाइल तो बना ली है, अब हमने इसे ऑप्टिमाइज करना है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है क्या, मतलब मैं किस चीज़ को कहता हूँ कि ऑप्टिमाइज करना है, क्यों करना है, इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, किसको फ़ायदा होगा इसका। अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं हमने अपनी प्रोफाइल बना ली है बिजनेस प्रोफाइल, तो इसका मतलब क्या है जी, हम गूगल पे नज़र आ रहे हैं। गूगल पे नज़र आने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी विजिटर को, किसी भी इंटरनेट यूज़र को कुछ चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई सर्विस की शक्ल में चाहिए हो या प्रोडक्ट की शक्ल में चाहिए, तो सबसे पहले क्या करता है, उसे गूगल करता है, ऐसे ही ना, तो सबसे पहले हम गूगल करते हैं। जैसे मुझे कोई चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी, जैसे मेरा अभी ये सपोज नहीं चल रहा था, मेरे पास नहीं था, मुझे ख़रीदना पड़ गया, तो मैं गूगल यही करूँगा ना कि भाई यहाँ पर मुझे पता लग जाए कोई नियर शॉप है कि नहीं है, तो मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँ। तो अगर कोई 10 शॉपकीपर्स हैं जो लोग ये बेच रहे हैं, लेकिन उनमें से 4 लोगों ने अपनी शॉप को गूगल में लिस्ट किया हुआ, यानी अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो 10 के 10 तो नहीं आएंगे गूगल पर, सिर्फ उन 4 नज़र आएंगे, हालांकि बाकी के, ये भी हो सकता है कि बाकी के जो लोग हैं नहीं है, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हों, वो बहुत पुराने भी हों और उनके पास चीज़ें भी बहुत अच्छी हों और चीप रेट्स में भी मिल रहे हों, यानी सारी क्वालिटीज मैंने उन्हीं की बता दी है, लेकिन क्योंकि वो गूगल पे लिस्ट नहीं हुए है तो वो किसी को नज़र नहीं आएंगे, मतलब गूगल ने इस क्वालिटी की वजह से उन्हें कहीं ढूंढ के ले आनी है ना मैजिक से, बल्कि हमें खुद से गूगल के पास जाना है। ये था हमारा पहला लेक्चर कि भाई अपनी प्रोफाइल बना लो। अब हम ये कहते हैं कि प्रोफाइल तो बना ली हमने, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, चले हम कह लेते हैं कि भाई 8 लोग हैं जिनकी प्रोफाइल बनी है, अब मैं खरीदना चाह रहा हूँ वाईफाई माउस, ठीक है, अब 8 में से मुझे जैसे ही मैं वाईफाई माउस की कोई शॉप ढूंढूंगा तो 8 के 8 तो नज़र नहीं आ जाएंगे एकदम, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ और मैं लिखता हूँ वाईफाई माउस शॉप, ठीक है, देखे लिखी है ना मैंने, उसने मुझे बता दिया क्या लिखो भाई, कहता है वायरलेस माउस शॉप नियर मी, मैं देखने लगा कि वायरलेस माउस की कोई दुकान है यहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ढूंढ लेते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखें जरा आ गई शॉप्स, 1 2 3 कितनी आई है जी टोटल। और एक और चीज़ नोट करें कि सबसे ऊपर क्या आया, प्लेस ही आया सबसे ऊपर, मतलब गूगल आप प्लेसेस के लिए तो नहीं बना हुआ ना, एक्चुअली तो गूगल वेबसाइट्स के लिए है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वेबसाइट आई ही नहीं है। तो एक लम्हे के लिए जरा इनकी हायरार्की समझ लेते हैं, हायरार्की का क्या मतलब होता है कि भाई कौन सी चीज़ पहले आएगी कौन सी चीज़ बाद में है, तो इनकी हायरार्की क्या है, हायरार्की ये है कि सबसे ऊपर आता है गूगल ऐड जो कि हमारे उसका एक मॉड्यूल है, उसके नीचे आती है प्लेस और उसके बाद आती है वेबसाइट्स जिनकी SEO हो जाती है, समझ आ गई बात। अब जो गूगल ऐड है ये मुमकिन तो नहीं है ना कि भाई एक दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन तो कोई भी बंदा गूगल ऐड चलाए, जैसे मैं कहूँ भाई इश्तहार लगते हैं जियो पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर टाइम इश्तहार ही लग रहे होते हैं, इश्तहार के लिए भी तो कोई टाइम रखा होगा ना, कि कोई प्रोग्राम लगा हुआ है तो उसके बीच में इश्तहार आते हैं, लेकिन सिर्फ इश्तहार तो नहीं आते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इश्तहार गूगल ऐड की शक्ल में है ये इसकी जो फिक्सिंग है वो प्लेसमेंट परमानेंट तो नहीं हो सकती ना, वो तो उसी वक्त होगी जब इश्तहार चल रहा होगा, अब वो क्यों नहीं चल रहा होगा हर वक्त, भाई उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ना गूगल को, इतने सारे पैसे तो कोई नहीं दे सकता ना, जैसे कोई बंदा कह दे जी ना भाई जियो के ऊपर आपने इसमें मेरा इश्तहार चलाना है 24 घंटों के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेंगे, नहीं चलाते भी ड्रामा, ठीक है, तो जो हमने महीनों भर किसी ड्रामे से कमाना है वो हम आपसे आज का दिन इश्तहार चला के कमा लेते हैं एक ही दिन में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इश्तहार आपका बहुत ज़्यादा देर चल सकता हो, कुछ देर ही चलेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ कि इश्तहार गया तो फिर ऊपर क्या आ गया, प्लेसेस आ गई, यानी हायरार्की में फिर ऊपर दूसरे नंबर पर प्लेसेस आ गई, और इश्तहार नहीं चल रहा तो तीसरे नंबर पर वेबसाइट SEO आ गई, ठीक है। तो एक तो हमें यह पता लगेगा कि प्लेसेस की हायरार्की इस तरह की टॉप हायरार्की लेवल है इसका। और अगर आपके हाथ में माउस है, देखें आजकल कोई भी बंदा मिसाल के तौर पर मैंने कुछ खरीदना होगा, ठीक है, तो मैं ऐसे तो नहीं कि अपना कंप्यूटर ऑन करूँ पहले,
और उसमें जाके सर्च करूँ, मैं तो मोबाइल पे सर्च करूँगा, कोई भी कंप्यूटर पे सर्च नहीं करता, इवन वो उसका कंप्यूटर खुला होगा वो तब भी नहीं करेगा। इसलिए कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मोबाइल पे आएंगे। क्यों आएंगे? इसलिए ये सबको पता है कि भाई इस वक्त मोबाइल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, हर किसी के हाथ में तो मोबाइल है, तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अगर मुझे अच्छी ऑडियंस चाहिए तो मैं मोबाइल पर जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पर नहीं आता हूँ। और डेस्कटॉप के ऊपर आपको सीरियस बायर भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो ऐसा ही बायर होगा जो इन्फॉर्मेशन के लिए बैठ जाए। मैं भी तो अभी प्लेसेस खोल के बैठ गया हूँ, मगर मैं कुछ खरीदना तो नहीं चाह रहा ना, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए प्लेसेस खोल के बैठा हूँ। सो इसका मतलब सीरियस बायर जो है वो कहाँ पर है? सीरियस बायर तो मोबाइल के ऊपर ही बैठा हुआ है, यानी सीरियस बायर ने आपसे जो कुछ भी खरीदना है बेचना है वो मोबाइल से बेच रहे हैं, तो मोबाइल पर इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ तो हमें पता लगी कि प्लेसेस की वर्थ काफ़ी है। और जब मैं आपको ये कहूँ कि भाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितने पैसों में बन जाती है? फ्री में बन जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने भी ऑफिस खोला हुआ है अपना, तो उसको कोई गूगल को पैसे नहीं देने अपनी प्रोफाइल बनाने के, ठीक है? सीधा सीधा उसने अपना मोबाइल खोलने, मोबाइल से मैप भी डालने, वहाँ जाकर अपनी लोकेशन ऐड कर देनी है। गूगल ने कहना हाँ भाई अपना एड्रेस बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ, अपने बिजनेस का नाम बताओ, अपने बिजनेस की कैटेगरी बताओ, ये है पैसा लेते हैं। आप वीडियो देखेंगे आपको बता लेते हैं, ठीक है? हम बताएंगे हमारी प्रोफाइल बन जाएगी, कुछ अर्से में उसे अप्रूव कर देगा, जैसे अभी आपके सामने एक प्रोफाइल अप्रूव नजर आ रही है, बस इतना सा काम, इसके एक रुपया भी नहीं लगना। हाँ, अलबत्त आपका एक रुपया लगेगा अगर आपको किसी ऑप्टिमाइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? मिसाल के तौर आपकी शॉप है, आप कंप्यूटर में इतने कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफर्टेबली कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं, जिसका मतलब आपको एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रोफाइल बना कर दें पहले नंबर पर, फिर आप ये करोगे। लेकिन आपने गूगल को प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ पे नहीं करना, आपने गूगल ऐड चलाने के लिए गूगल को पे करना है, लेकिन गूगल प्रोफाइल फ्री में बन जाएगी आपकी। समझ आ गई बात? ये तो हो गया प्रोफाइल बनाने की। अब ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि एक तो हमें पता लग गया कि भाई गूगल के ऊपर जो टॉप ऑप्टिमाइज सीन नजर आती है वो प्लेस नजर आ रही है, जो कि परमानेंट नजर आ रही होती है प्लेसेस। अब हम ये देखा कि भाई लोग तो बहुत सारे होंगे ना भाई, मोस्ट वाले, अगर मैं मोर पर जाऊंगा तो इतने सारे बिजनेसेस और आएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहले ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कीप योर लोकेशन, अच्छी बात है, अलाउ करें कि भाई मुझे मेरी लोकेशन के हिसाब से दिखाओ। मतलब इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी लोकेशन ऑन की होगी ना, जैसे मोबाइल पे लोकेशन ऑन करते हैं, तो मेरी जगह के हिसाब से मुझे दिखा रहा है। लेकिन अगर मेरी जगह के हिसाब से मेरी दीवार के इस तरफ एक कंप्यूटर की शॉप हो, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई हो, यानी मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ भी जा रही हो, हाँ, लेकिन अगर वो गूगल पर नहीं है तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आएंगे। अगर उन्होंने अपना बिजनेस गूगल में लिस्ट नहीं किया हुआ तो मुझे यहाँ पे नज़र खुद से ऑटोमेटिकली नज़र नहीं आएंगे। बिजनेस लिस्ट आपको करना है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई पहले बिजनेस लिस्टिंग ऐड करो। इसीलिए मैंने पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सबसे पहला मॉड्यूल भी यही रखा कि भाई आप पहले प्रोफाइल बनानी सीखें ताकि आप अपना बिजनेस को चलाएं, धक्का लग जाए आपके बिजनेस को, कि आपकी प्रोफाइल बन गई, अब लोग आपको ढूंढना शुरू हो तो आप नजर आना शुरू करें लोगों, ठीक है? इवन आप अपनी प्रोफाइल बनाएं डिजिटल मार्केटर के तौर पर, देखिएगा महीने के बाद कोई ना कोई आपको कॉल आ जाएगी कि ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है। क्यों? जैसे अभी मैंने माउस को ढूंढा है, इसी तरह कोई डिजिटल मार्केटर को भी तो ढूंढ रहा होगा नियर बाई लोकेशन में। तो अगर आप पहली टीम में नजर आ गए उसको, या वो शो मोर करके नीचे चला गया, तो कहीं ना कहीं तो आप होंगे ना, तो आपको भी कॉल कर देगा जैसे वो दूसरे लोगों को कॉल करेगा। अब ये तो हो गई पूरी चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन। अब इनमें प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में क्या आ रहा है? देखिए जी, पहले नंबर पर आ रही है माई शॉप, दूसरे नंबर पर आ रही है विर्चुअल आई टी सॉल्यूशंस, 1.5 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, जब पता लग गया ना कितने डिस्टेंस पर है मुझसे ये। अब ये मोर प्लेसेस, अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई कोई भी बंदा आम तौर पर क्या होता है, गूगल करते हैं कुछ, पहले पेज पर कोई 8-10 रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं, ऐसे ही है ना? आप कभी भी नवे रिजल्ट पर क्लिक नहीं किया होगा आपने, ऐसे नहीं कि आगे स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड पर जाएं और जो आखिरी रिजल्ट आ रहा है उस पर क्लिक करें। आप देखते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत जोर लगाएं तो 5वें तक चले जाएंगे, इससे नीचे तो आप जाते ही नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखो तो गूगल आपको एक रिजल्ट भी नहीं दे रहा होता, एक पेज भी नहीं दे रहा होता, बहुत सारे पेजेस भी दे रहा होता है, नंबर ऑफ पेजेस भी होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? दूसरे पेज पे तो जाएगा ही नहीं। पहले मैंने कहा पहला पेज, फिर मैंने पहले पेज के ऊपर भी प्रायोरिटी सेट कर दी कि 5, पहले 4-5 जो नजर आ रही है उसी पर क्लिक करें, ऐसे है ना? इसको भी देखे मैंने सर्च किया नीचे आके, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने सारे हैं, फिर और भी कह रहा है। कभी भी कोई गया दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर को छोड़े कोई आकर इस पर भी शायद क्लिक ना करें, बल्कि उसने क्या करना है, उसे कहना है यार ये जो अच्छी वाली है ना वो ये 1, 2, 3 ही है, एक माइंड सेट है ये कि जो चीज़ टॉप पर आ रही है वही अच्छी है। तो जब हम वेबसाइट की बात करेंगे तो फिर हम इसके मतलब बात करेंगे। अभी हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब
कोई भी बंदा मोर प्लेसेस पे तो शायद ही क्लिक करे। हाँ, अगर कोई बंदा किसी खास दुकान को ढूंढ रहा हो, ठीक है, इन मेरे दोस्त ने मुझे कहा होगा भाई मेरी शॉप है इधर इस नाम से है, तो मुझे नजर नहीं आएगी, तो शायद मैं मोर प्लेसेस में जाकर देखूँ कि भाई ठीक है मुझे उसकी लोकेशन का नहीं पता, तो मैं यहाँ से लोकेशन तो ले लूँ उसकी। वो मुझे नाम का पता होगा तो तभी मुमकिन है, अगर मुझे नाम का नहीं पता फिर बिल्कुल मुमकिन नहीं है ऐसा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बिजनेस को पहली तीन पोजीशन पर लेकर आना है, ऐसे ही है। ये जो पहली तीन पोजीशन पर लाने का अमल है इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसी को हम कह रहे हैं कि भाई हमने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अब हम अगर कहें कि क्या होगा, क्या ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका क्या है, क्या कोई पैसे देने हैं किसी को प्रोफाइल बनाने के, तो कोई पैसे नहीं थे, तो क्या ऑप्टिमाइज करने के कोई पैसे हैं? इसके लिए या तो आपको ये स्किल आती हो सही तरह, या फिर आपको कोई डिजिटल मार्केटर है उसकी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं हूँ, कोई बंदा मुझे कहेगा जनाब मुझे एक तो आपने मेरी प्रोफाइल बनानी है और एक आपने मुझे ऊपर भी रखना है, पहली दो तीन पोजीशंस में भी रखना है, तो इस सर्विसेज के मैं उससे चार्ज करूँगा, उसको टॉप पे रखेगा। मैं क्या करूँगा, मुख्तसरन हम बात करते हैं कि मैं करूँगा क्या। इधर है, ये इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी, एडिट प्रोफाइल। सबसे पहली चीज़ क्या है, रिव्यूज़ क्या होते हैं, रिव्यूज़ आपको भी पता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा हट लिख देता हूँ, फिलहाल यहाँ लिखता हूँ पिज़्ज़ा हट लिख देता हूँ, ताकि हम जरा रिव्यूज़ की बात करें सिर्फ। नियर भी नहीं लिखा था ना मैंने, चलो ये आ गया, आगे इस पे क्लिक करें। आगे रिव्यूज पे लिखा हुआ है 3.9। अब रिव्यू का जो इवैल्यूएशन है वो होती है 5 स्टार के साथ, यानी टोटल 5 स्टार है। जब आपने किसी को रिव्यू देना होता है तो आपके सामने 5 स्टार नजर आते हैं, तो आपको अगर बहुत बुरा लगता है तो आप उसे 1 स्टार दे देते हो। हालांकि देखा जाए तो स्टार तो फिर भी दे रहे हैं, लेकिन 1 स्टार का मतलब बुरा, 2 स्टार का भी मतलब बुरा। अगर आप उसको 4 स्टार्स दें तो चलो आपको कुछ बहुत बुरा नहीं लगा, और अगर आपको 5 स्टार दें तो इसका मतलब बहुत अच्छा लगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, आपने जब भी किसी को रिव्यू देना है और जब भी किसी से रिव्यू लेना है तो आपने हमेशा उसे 5 स्टार का रिव्यू देना। अब ये जो रिव्यू लेने वाला प्रोसेस है इसका क्या मतलब है कि भाई मेरे कस्टमर्स हैं, जैसे वो कह रहा है अभी 3027 रिव्यूज, इसका मतलब क्या हुआ कि 3027 कस्टमर्स ने अपने रिव्यूज दिए हुए, अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि भाई पिज़्ज़ा हट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। उन 3000 लोगों की बेस पर गूगल ने इसको रेट कैसे किया, 3.9। बेसिकली गूगल ने रेट नहीं किया, लोगों ने ही रेट किया हुआ, किसी ने हो सकता है 5 दिया हो, किसी ने हो सकता है 4.3 दिया हो, किसी ने 1 स्टार दिया हो, किसी ने 2 स्टार दिया हो, किसी को सर्विस बहुत अच्छी लगी हो उसने 5 स्टार दिया हो। सो एक फैक्टर क्या है, रिव्यूज, कि हमें क्या करना है, अपने कस्टमर से रिव्यूज लेने हैं। कैसे लेने हैं, आप बैठे हुए, ठीक है जी, मैं आपको 4 दिनों के बाद कहूँगा अभी मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी प्रोफाइल नज़र आ रही है ना आपको, इस पे जाकर रिव्यू ऐड करें, उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी, एक और क्लास आ जाएगी, फिर मैं उसे कहूँगा हाँ भाई मेरे मतलब क्या ख्याल है आपका, अगर आपका कुछ और जरूरी। अच्छा एक और चीज़ याद रखें, रिव्यूज आर फीडबैक। ये जो कंपनी के लोग होंगे, ठीक है ना, जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग अपनी प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, उन्हें ठंडे दिमाग के साथ एक रिव्यू को देखना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे 10 क्लाइंट हैं तो मुझे पता लगे भाई एक क्लास के बच्चे तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं उन्हें कहता हूँ ये इनसे रिव्यूज नहीं लेते, मैं सभी से रिव्यूज लेता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कोई बंदा क्लास में ना बताता हूँ, रिव्यू में जाके बता दें कि सर वो आप बड़ा तेज पढ़ाते हैं, जरा स्लो पढ़ाया करें, हाँ फीडबैक मिल गया ना, एक फीडबैक मिल गया, आप इंग्लिश का बड़ा इस्तेमाल करते हैं सर, जरा उर्दू में ज़रा बात किया करें, हमें अच्छी समझ में आ जाती है। पर ज़रूरी नहीं है कि रिव्यू, हमारा मकसद ये है, रिव्यू का मतलब फीडबैक लेना भी है, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे रिव्यू आया, ठीक है, अगले ही दिन मैं क्लास में आया और क्लास में आकर मैंने स्लो स्लो पढ़ाना शुरू कर दिया और डिस्कस भी किया कि भाई इट्स ओके, अब ठीक है। अब अगले ही दिन स्टूडेंट ने जाकर कहा कि जी थैंक यू सर, आपने मेरी बात को एक्नॉलेज किया, उसने अपने आप 4 स्टार को एकदम क्या कर दिया, 5 स्टार कर दिया, क्या हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। सो बेसिकली रिव्यूज किस लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी है और अपने नए कस्टमर्स को दिखाने के लिए है कि देखें हमारे कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं हमारे से। तो इसका मतलब एक पहली बात तो ये कि हमें रिव्यूज लेने हैं, मुसलसल लेने हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी और लीड्स लेने के लिए भी और रैंकिंग को बेहतर करने के लिए भी, कि भाई हम दूसरों से ऊपर नजर आ रहे हो,
तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लेने हैं, एक बंदे की ड्यूटी लगानी पड़ेगी अपनी कंपनी में कि भाई तुम्हारा ये काम है कि जब हम किसी को कोई चीज सेल करें तो तुमने रिव्यूज दिलवाने हैं, मतलब उसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने हमें रिव्यूज दिलवाने हैं, ठीक है। सिर्फ कैसे दिलवाने, अभी एक बंदा दफ्तर में बैठा हुआ, ठीक है, आपकी क्लासेस 6 क्लासेस खत्म हो गई, क्या वो आपको लेके कमरे में चला गया, साथ उसने चाय पिलाई आपको, पूछा कि जनाब आपने वो सर को रिव्यू दिया है गूगल पे, आपने पीक सॉल्यूशन को रिव्यू दिया है कॉलेज की, तो जाकर कैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये भी हो सकता है ना कि पहले वो आपकी प्रॉब्लम पूछ ले, ताकि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो पहले वो रिजॉल्व कर दे, ताकि गूगल के ऊपर प्रॉब्लमेटिक चीजें नजर भी ना आए हमें, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मेन फैक्टर है हमारा कि भाई हम टॉप पर आ रहे हैं कि नहीं। नंबर 2, पहला फैक्टर तो हो गया थी रिव्यूज का, यानी ये आपको समझ में आ गया कि रिव्यूज लेने, अभी ये रिव्यूज कौन देगा, हमारे कस्टमर्स देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक जगह बैठूं और सारे रिव्यूज ऐड करना शुरू हो जाऊं कस्टमर्स की तरफ से, ये नहीं हो सकता। मुझे कस्टमर्स का रिव्यू लेना है। अब रिव्यू लेने के लिए क्या तरीकाकार है, अब गूगल को कैसे लगेगा कि ये अच्छे वाला रिव्यू है या बुरे वाला रिव्यू है, ये नेचुरल रिव्यू है ये फेक रिव्यू है, गूगल भी तो बैठा हुआ है चीजों को देखने के लिए। अगर हमने एक बंदा हायर किया हुआ है, अभी आप फेसबुक पर जाओगे कई लोग बैठे हुए हैं कि जनाब हमसे रिव्यू ले सकते हैं, आप अपने रिव्यूज अगर आपने पढ़ा लिया तो हमसे रिव्यूज देंगे, हम आपको रिव्यूज देंगे, इसका मतलब ये काम दूसरी तरह भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए नेक्स्ट तरीके से। अब गूगल पकड़ लेगा आपको, गूगल का अपना इतना एआई का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो आपको पकड़ सकता है कि भाई आपका रिव्यू ठीक है कि आपका रिव्यू ठीक है, ठीक है, कैसे पकड़ेगा वो। नंबर 1, आपका रिव्यू विद कॉमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, यानी आपने जो रिव्यू दिया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने कुछ एक्सप्रेशन भी दिए। अब अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं है, आजकल तो कीबोर्ड उर्दू का भी होता है, आप उर्दू में रिव्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाएं, मतलब मैं कोई 200 रिव्यूज लूँ लोगों से, और 200 लोगों ने रिव्यूज कैसे दिया हो, 200 में 200 लोगों ने रिव्यूज ऐसे दिया हो 5 स्टार फिनिश, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे। अब गूगल को डाउट होगा कि ये फेक रिव्यूज तो नहीं है, ठीक है, जिसका मतलब है अगर आप लिख कर रिव्यू दोगे तो गूगल को लगेगा कि ये फेक रिव्यू नहीं है। नंबर 1, आप अपनी अलग डिवाइस से रिव्यू दोगे, ठीक है, और एक ही लोकेशन, साल के तौर पर हम क्या करें, पीक सॉल्यूशन के सारे स्टूडेंट्स को बिठाएं एक जगह पर सुबह से लेकर शाम तक के, पता लगा जनाबी 3000 स्टूडेंट्स होंगे एक कमरे में बिठाया और उनसे कहा भाई पीक सॉल्यूशन के रिव्यू दो। अब क्या हो रहा है, डिवाइस सबकी अलग है, लोकेशन सबकी सेम है, IP सबका सेम है, गूगल को लगेगा ये कोई रिव्यू फेक एक्टिविटी होती है, उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग चीज है जो आपके रिव्यू को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, और वो क्या चीज है, खत्म कर देगा वो रिव्यू, शो ही नहीं करेगा आपका, उतार देगा आपका रिव्यू, यानी आपके टोटल 10 रिव्यू थे उसे एक पे शक हुआ है, अब आपके 9 रह जाएंगे पीछे, ठीक है। एक और सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड क्या है, जी मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, साथ ही मैंने क्या किया, कैमरा ऑन किया अपने मोबाइल का और सारा दिन तस्वीर लगाया, आप गूगल को और पता लग गया कि भाई ये बंदे ने 5 स्टार दिया, ये इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ से अपनी फोटो भी दिखाई कि मैं हूँ भाई जो बंदा ये कर रहा, ये वाले इतने जरूरी नहीं कि मैं आपकी दिखाऊँ, मैं यूँ भी कर सकता हूँ, मैं इधर से पकड़ के तस्वीर लगा दूँ, ठीक है, मेरे पास कोई पेशेंट आई हुई है पोस्ट आई, मैं पेशेंट को लगा दिया, लेकिन तस्वीर लगी होगी तो उसको भी वो बेहतर समझेगा, लेकिन अगर हम अपनी लगा देंगे तो अच्छी बात है, आप कॉलेज की लगा सकते हैं, आपने क्लासरूम की कोई फोटो ली हुई है आप उसकी भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप फोटो लगाएंगे तो आपका रिव्यू और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यानी गूगल उसको समझेगा कि ये फेक रिव्यू नहीं है। सो पहला फैक्टर रिव्यूज का हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है जी इसके अंदर, इधर से देखते हैं ना, उसी उसको दिखाकर मैं बात करता हूँ आपसे सारी, यहां पर थे हम लोग जी, ये क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप क्या सर्विसेज देते हैं। देखिए अब मैं पीक सॉल्यूशन को ढूंढना चाहता हूँ गूगल पर, तो आप गूगल को पीक सॉल्यूशन को गूगल पर लिखेंगे तो एकदम ऊपर पीक सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो भाई नाम से तो कोई भी ढूंढ सकता है ना, हमारी प्रोफाइल, हमारी वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, अगर ये नाम से किसी ने ढूंढना है फिर तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड ही हुआ ना, एक विजिटिंग कार्ड भी तो यही होता है कि कार्ड के ऊपर आपका सारा एड्रेस लिखा होता है, आप किसी को देते हो उसको पता लगता है किस नाम की कंपनी है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है,
ये तो कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, इस तरह कोई आप ज्यादा बिजनेस तो नहीं ले सकते ना। ये तो सिर्फ वही लोग आपको इंटरेक्ट करेंगे जिनको आपका विजिटिंग कार्ड मिलेगा। तो इसी तरह जिनको आपके नाम का पता होगा इंटरनेट पर वही लोग आएंगे। मतलब मैं कहता हूँ कि 50 लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उन 50 लोगों में से 41 लोग हैं जो पीक सॉल्यूशंस को जानते हैं। कि भाई पीक सॉल्यूशन वहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर है जो खुद भी डिजिटल मार्केटिंग करता है, बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाता है। इसका मतलब क्या, वो 41 के 41 तो पहुँच गए ना। अब बाकी के जो 9 लोग हैं सपोज करें, हो सकता है ये उल्टा भी हो, वॉइस वर्सा भी हो सकता है कि 9 लोग जानते हो और 41 लोग ना जानते हो। अब बाकी के जो लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं पीक सॉल्यूशंस का। भाई हम कह रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जिसकी वजह से उनको अवेयरनेस नहीं हो सकी उस बिजनेस के नाम से। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ढूंढनी है सर्विसेज, उन्होंने ढूंढनी है प्रोडक्ट्स, उन्होंने ढूंढनी है बिजनेस की कैटेगरी। बिजनेस किस तरह का है भाई, एजुकेशनल बिजनेस है, ये बिजनेस की कैटेगरी होगी। प्रोडक्ट्स क्या है, इसके कोर्सेज, सर्विसेज क्या है, इसके कोर्सेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिजिटल मार्केटर के जो बच्चे थे 41, वो लिखेंगे कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, या लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ऐसे ही है ना, इस तरह की कोई चीज लिखेंगे। अब पीक सॉल्यूशन वालों ने सपोज कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई, जिसका मतलब क्या हुआ कि पीक सॉल्यूशन का नाम तो कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं लिखूंगा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, नहीं आएगा। हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, ये बातें कम लोगों को पता होती हैं, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें टेक्निकल टीम की भी जरूरत होती है। सो इसका मतलब अगर टेक्निकल टीम नहीं है तो इंप्लीमेंट भी नहीं लोग कर पाते ना। सो इन चीजों का पता कम लोगों को है, लेकिन अगर आपको इन चीजों का पता है तो आप अपने बिजनेस को डबल कर रहे हो। मैं हमेशा पढ़ाते हुए कहता हूँ, मैं भी आपकी तरह टिकटॉक से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मैं वो बच्चों के नहीं करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के छोटे छोटे क्लिप्स बना के रिकॉर्ड करता हूँ। एक एक मिनट का, कभी एक मिनट का, कभी दो मिनट का, कभी तीन मिनट का, कभी 15 सेकंड्स का, जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी बातें की होती हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो मैं अक्सर डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक ये कहता हूँ कि भाई मेरी एक कंपनी है जहाँ पर ये मैं माउस बेचता हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में माउस बेचने लगा हूँ। अब माउस मेरी दुकान पर बिक रहा है, सबको जिस एरिया में मेरी दुकान है लोगों को पता है, मैंने बैनर भी लगाया हुआ है, कभी कभार मैं इश्तिहार भी दे देता हूँ कि भाई मेरा बिजनेस इस जगह पर है। इसका मतलब है कि ये मेरी सारी ऑफलाइन मार्केट है, ऐसी है ना। अब जैसे ही मैं इंटरनेट पर जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जाकर अपनी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मैं गूगल पर अपनी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मैं वेबसाइट पे अपनी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, मैं अपना टिकटॉक बनाता हूँ और उस पर मैं माउस के मतलब बात करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने एक नई दुनिया दरियाफ्त कर ली अपने माउस को बेचने के लिए, ये वो दुनिया नहीं है जो पहले वाली दुनिया थी, इसका यूजर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं खुद एक कैंपेन चलाऊं इंटरनेट के ऊपर कि भाई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसमें मेरे पास पीक सॉल्यूशन का स्टूडेंट नहीं आएगा। जब मैं उसकी कैंपेन एक बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाऊंगा तो बिल्कुल डिफरेंट लोग होंगे। वो लोग होंगे जो इंटरनेट से इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब कोई किसी को मेरा इश्तिहार गूगल पे नज़र आ जाएगा, किसी को मेरा इश्तिहार फेसबुक पे नज़र आएगा, किसी को मेरा इश्तिहार इंस्टाग्राम पे नजर आएगा, किसी को मैं टिकटॉक से मुझे कोई बंदा कनेक्ट कर रहा होगा, कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस देख के मुझे कॉल करेगा। अक्सर लोग मुझे वीडियोस पे कॉल करते हैं, मेरी वीडियोस देख के कॉल करते हैं कि जी आपका लेक्चर देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा, आप कहाँ होते हैं, किस जगह पे पढ़ाते हैं। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा था, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुझसे सीख लो। मैंने ये भी कभी किसी को नहीं कहा कि जनाब अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है तो पीक सॉल्यूशन में आओ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सिर्फ इतनी बात करता हूँ, इससे ज़्यादा कभी बात नहीं करूँगा, मतलब हर चीज़ की बात करूँगा जो डिजिटल मार्केटिंग की होगी। तो लोग खुद मुझसे पूछेंगे कि जनाब हमें चाहिए आपकी प्रोडक्ट, आप कैसे देते हैं ऑनलाइन, ये प्रोडक्ट कैसे देते हैं ऑफलाइन कैसे देते हैं। अब ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑनलाइन की तो मैंने एक अलग मार्केट बना ली। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि ऑफलाइन माउस कोई भी बंदा महीने के सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बंदा महीने के 2000 बेचता है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो ऑनलाइन जाता ही नहीं है कितनी बड़ी मार्केट मिस कर रहा है। जैसे ही वो ऑनलाइन जाएगा हो सकता है कि वो 2000 की बजाय 3000 माउस सिर्फ इंटरनेट से बेचता हो। अब ये जो 3000 बंदे होंगे ये वो वाले बंदे नहीं होंगे जो इसकी शॉप को जानते होंगे, ये सब वो लोग होंगे जो गूगल कर रहे होंगे, जो ऑनलाइन इसको देखते होंगे, जो ऑनलाइन सर्विसेज ढूंढते होंगे, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ढूंढते होंगे। मतलब क्या हुआ, आपकी एक ब्रांड और बन गई,
हालांकि मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन असल में मेरे पास दो प्रोडक्ट्स होंगे, एक प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट की और एक प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, सो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जैसे ही इंटरनेट पर शिफ्ट करते हो अपनी कंपनी को लेके, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक और ब्रांड बना लिया, एक नई ब्रांड, और उसकी सेल बिल्कुल अलग हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर हम क्या करेंगे जी, सर्विसेज ऐड करेंगे, एडिट सर्विसेज में आए जरा जी, देखें जरा क्या लिखा हुआ है, मैंने यही सर्विसेज है ना, प्राइमरी कैटेगरीज मैंने क्या रखी हुई है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मैंने ट्रेनर की नहीं रखी हुई, हाँ एजुकेशन की भी नहीं रखी हुई, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ ना, तो मैंने इसकी सर्विस क्या रखी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। ये मेरी क्या है, प्राइमरी कैटेगरी। जब आप प्रोफाइल बना रहे थे ना, पहले नाम रखा था ना हमने, नाम के फौरन बाद हमने कैटेगरी बताई थी, तो कहता है भाई ये प्राइमरी कैटेगरी है। उसके बाद आगे मैंने क्या लिखा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट SEO, वीडियो मार्केटिंग, ये सारी मैंने लिखी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज बतानी है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर आपने सर्विस, इसका फ़ायदा क्या है, देखें एक सर्विस और बताने लगा, ये क्या लिखा हुआ है, एड कस्टम सर्विस। और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ बेस्ट भी नहीं लिखता, बल्कि लिखता हूँ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर नियर मी। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई कोई बंदा ये लिखेगा तो उसको मैं नजर आ गया, क्योंकि मैंने इसको सर्विस बना दिया ना। अब ये जैसे जैसे अब एक जगह नहीं लिखा, अभी मैंने आपको एक फैक्टर बताया इसका कि मैंने सर्विसेज में आगे इसको ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद जब पोस्ट लगानी है अपनी, तो मैंने जब पोस्ट भी लगानी है ना, अब ये हम कह सकते हैं कि ये मेरा कीवर्ड बन चुका हुआ है। कीवर्ड क्या मतलब है कि जो लोग सर्च करते हैं, मैंने वो वाला वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया कि लोग ये करेंगे। इसी तरह की मैंने पोस्ट बनाई और उसके ऊपर भी ये कैप्शन लिख दी। इसका मतलब अब मैं इस सेंटेंस के अगेंस्ट लोगों को नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब कोई भी बंदा अगर ये कह रहा हो कि भाई एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर नियर मी, तो मैं उसे दिखूंगा, बिल्कुल दिखूंगा, और मुझे उसे दिखना भी चाहिए। ऑप्टिमाइज कर लिया मैंने, ये भी मैंने सिर्फ एक चीज लिखी है। इस तरह आपकी जितनी सर्विसेज हैं आपने सारी सर्विसेज लिखनी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज है, अगला क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा, अगला क्राइटेरिया है सर्विस एरियाज। अब सर्विस एरियाज का क्या मतलब है, सर्विस एरियाज का मतलब ये है कि भाई आप, अच्छा ये सब बात समझ लें सबसे पहले कि ये है लोकल मार्केटिंग, इसको हम लोकल मार्केटिंग कहते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज कॉल्ड लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि भाई आप जहां पर हैं उधर की मार्केटिंग है ये, मतलब मैं लाहौर में बैठा हूं ना इस वक्त, तो इसका मतलब क्या है कि मैं विद इन लाहौर मार्केट कर रहा हूं। अब अगर कोई बंदा कैनेडा में बैठा हुआ, मैं उसे नजर तो आऊंगा क्योंकि मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन बेसिकली मेरा कंपटीशन कहां पर है, लाहौर में है। यानी लाहौर में जो मेरे कस्टमर्स घूम फिर रहे हैं और वो मुझे ढूंढ रहे हो, तो वो जैसे ही लिखेंगे तो मैं उनको नजर आ जाऊंगा। लेकिन जो बाहर का बंदा होगा, आउटसाइडर होगा, जो लाहौर का नहीं होगा, इस्लामाबाद का होगा या कंट्री से बाहर का होगा, वो फिर लिखेगा कि एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन पाकिस्तान, फिर मैं उसको दिखूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला कीवर्ड भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर। ये सारे कीवर्ड्स बना के मैं रख दूंगा और इसी तरह की मैं मुख्तलिफ पोस्ट बनानी शुरू कर दूंगा। वो पोस्ट भी मैं फ्रीक्वेंटली लगाता जाऊंगा, अभी वो पोस्ट के मुतालिक भी आपको बताता हूँ। अब अगली चीज हमारे पास आ गई है सर्विस एरियाज। सर्विस एरियाज का क्या मतलब है, सर्विस एरियाज का मतलब ये है कि भाई अब आप किस एरिया में सर्व कर रहे हो, ये भी हमें बता रहे हैं। ये हमें ऑप्शन देता है 19 से 20 तकरीबन सर्विस एरियाज हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ हमारा पीक सॉल्यूशन कॉलेज लोअर माल पर है, तो अब लाहौर में भी है भाई, लाहौर में भी है ना, और लोअर माल पर भी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जोहो टाउन के बंदे को भी मैं दिखूँ, इलामा इकबाल टाउन के बंदे को भी मैं दिखूँ, DHA के बंदे को भी मैं दिखूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग लोकेशन लिख रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाएगी कि भाई जब जोहो टाउन का बंदा बैठ के कुछ सर्च कर रहा होगा और मैंने बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन वाला भी ऑप्टिमाइजेशन की होगी, तो मैं उसे दिखना शुरू करूँ। समझ आई, यानी एक ऑप्टिमाइजेशन थी हमारी रिव्यूज, दूसरी तीसरी सर्विस एरियाज। यानी हमने यहाँ पर आकर अपने सर्विस एरियाज डिफाइन कर लिए, ज्यादा से ज्यादा 19 से 20 तक हम सर्विस एरियाज अपने रख सकते हैं। सर्विस एरियाज का मतलब ये नहीं है
कि मैं लाहौर से बाई निकलूंगा, लाहौर से बाई तो मार्केटिंग है ही ना, हम कह ही रहे हैं क्या ये लोकल मार्केटिंग करना है, लोकली हम बेसिकली लोकल कंपिटेटर्स को बीट करना चाह रहे हैं जो लोकल है। कोई बंदा जब गूगल पर आए और किसी लोकल को ढूंढ रहा हो तो लोकली मैं उसको सबसे ऊपर नजर आ रहा हूँ और पहली 3 पोजिशन में मुझे होना चाहिए, इसका मतलब है कि मैं ऑप्टिमाइजेशन करके बैठा हूँ। अच्छा अब जरा आगे चलते हैं, क्या लिखा मैंने, एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर नियर मी, सेव कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर जो आप जो हम लेक्चर दे रहे हैं हम इसको ऑडियो सेव भी कर सकते हैं, अगर मींस कि हम प्रैक्टिकल करते हैं जो आपने हमें बताई, हम घर जाके लैपटॉप पे इसको प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज़ की हमें नहीं समझ आ रही तो हम उसकी एजेंसी आपकी ऑडियो दोबारा उसको सुन के हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सही है, ठीक है, आपके जितने भी लेक्चर्स हैं ना मेरे सब रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, या आप जो आप लेक्चर दे रहे हैं ये रिकॉर्ड है, बिल्कुल हो रहा है, मैं क्या रिकॉर्ड हो रहा है, पहले की रिकॉर्डिंग नहीं है अभी की रिकॉर्डिंग है, यानी आपकी क्लास पहले की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है लेकिन आपकी ये अभी का जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये चैनल पर आएगा, ठीक है, आपने चैनल पर आपकी एक प्ले लिस्ट बनी होगी उसमें आपके सारे लेक्चर्स आ रहे होंगे और जो हमने पहले कर लिए हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले तो इंटरनेट नहीं चल रहा था ना, इस वजह से नहीं थे हो रहे, वो आज ऐसा मैं अपडेट कर सब वो यूट्यूब पर हाँ यूट्यूब पर अभी आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोनों चीज़ें ऐड उसमें करेंगे, लिंक ग्रुप में भेजो, ठीक है। चलो ये एक होगी हमारी सर्विसेज, अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या आ रहा है और दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, एडिट प्रोफाइल, यहाँ से हमने क्या करना है, प्रोफाइल तो बना ली थी ना, लेकिन अब हमें हुआ कि यार प्रोफाइल में कोई थोड़ी सी चेंजेस होने वाली हैं बाद में, ये मैंने लिख दिया डीजी डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इसका नाम रखा हुआ जी, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करने लगा हूं। मैंने क्या कहा था 80 कैरेक्टर्स में हम नाम रख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल का नाम 80 कैरेक्टर्स में रख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि 81 नहीं कर सकते या 120 नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आप अपने बिजनेस का नाम 80 कैरेक्टर्स में, वो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स को ही ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करने लगा हूँ देखिएगा जरा, मैं एक काम करता हूँ और इसके आगे मैं आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, चलो जी मैंने लाहौर भी लिख लिया साथ ही, और इसको सेव कर दो, आगे चले पहले, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं, कैटेगरी आ रही है बिजनेस की, फिर क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैट जीपीटी के मतलब बताया था, भाई आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है, जो कुछ आप कर सकते हो एक सेंटेंस की सूरत में जाके वहाँ पर लिखें, वो आपको पूरा लिख कर दे देगा, उसको ला कर यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है, वो आपने सुनना है दोबारा से, मैंने इसीलिए उस दिन आपको चैट जीपीटी पहले कराया था कि आप कॉन्टेंट खुद लिखें, कॉन्टेंट के लिए आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, हाँ, और चैट जीपीटी आप जो लिखोगे वो कॉपी डुप्लीकेट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हमने, ओपनिंग डेट, अच्छा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वेबसाइट, अच्छा यहाँ पर देखें वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है, आ रही है, इसका क्या मतलब है, अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये आपको कोई URL वेबसाइट तो नहीं लग रही, नहीं लग रही ना, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे थे तो ऑप्शन आ रहे थे ना कि आपकी वेबसाइट है कि वेबसाइट नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप रिव्यूज ले रहे हो, आप पोस्ट लगा रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, गूगल क्या करेगा उसी कॉन्टेंट के साथ आपकी एक वेबसाइट बना देगा, समझ रहे, यानी जो आपका कॉन्टेंट है उसी को क्या कर देगा, एक वेबसाइट की शक्ल दे देगा, ताकि आप वेबसाइट की शक्ल में आपका सारा, अब आप तो जो पोस्ट करते जाओगे ना गूगल को ये वेबसाइट नजर आ रही है, आप किसी को ये वेबसाइट दे सकते हो तो उसको सारा आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, हमने ना डोमेन परचेज की, ना होस्टिंग ली, ना वेबसाइट बनवाई, कुछ नहीं किया हुआ, ये सारा डाटा किस चीज़ का है, प्रोफाइल का डाटा, जिसको उसने वेबसाइट में बना दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बिजनेस लोकेशन, क्या लिखा हुआ जी, नो लोकेशन, क्या लिखा है जी, एडिट दैट यू हैव मेड विल नॉट सेव, नहीं नहीं डिस्कार्ड नहीं करना, इसको सेव कर लें पहले, जो पहले की हम कह रहे ना ये खत्म करके अब मैं इसको करने लगा हूँ, और नीचे आ जाए, किसकी बात कर रहे थे हम,
इसका क्या मतलब है? शो बिजनेस एड्रेस टू कस्टमर्स, कि भाई मेरा एड्रेस जो है वो कस्टमर्स को दिखाओ। अब लोकेशन की बात कर रहे हैं, चलिए इसको मैं घर जाके करूंगा, मेरी लोकेशन का इशू है ना, इसको मैं यहां से नहीं कर रहा, उसको बंद कर देना थोड़ी देर के लिए, ऐसे रहने देते और नीचे आ जाए। और क्या आ रहा है? अब लोकेशन के लिए भी आपने ये ज़हन में रखना है कि जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, हम उधर बैठ के लोकेशन को एडजस्ट करें। मैं अगर लोअर माल पे हूँ ना, तो मेरा बिजनेस अगर लोअर माल पर है तो मैं यहाँ बैठ के लोकेशन एडजस्ट करूँ। अगर मेरा बिजनेस किसी और लोकेशन पर है तो वहाँ जाकर मैं लोकेशन एडजस्ट करूँ। और ज़्यादा बेहतर बात है कि मैं अपनी लोकेशन मोबाइल से करूँ, अपने मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल पर लोकेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऊपर एक चीज़ मिस हुई है, क्या है? सर्विस एरियाज। आगे यहां पर मैं ऐड करता जाऊंगा सर्विस एरिया, पहले लिखा हुआ लाहौर पंजाब, यहां आकर मैंने लिखा आ गया जोहर टाउन। ये मैंने आपसे कहा था 19 से 20 आप दे सकते हो। अलामा इकबाल टाउन भी आ गया। चलिए जितने आपने ऐड करने हैं, ये अच्छे बहुत हो गया, इसको भी सेव कर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? आवर्स। मैंने क्या सेट किए हुए 24 आवर्स के, भाई किसी ने मुझे कॉल करनी हो 24 आवर्स में कॉल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कोई फिजिकल शॉप हो जिसका टाइम हो सुबह 10 बजे दुकान खोलनी है या ऑफिस खोलना है, शाम को 5 बजे बंद करना है, तो यहाँ आकर हम बंद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने संडे को ओपन किया हुआ है, मैं कहता हूँ भाई संडे को हमें बंद कर देते हैं, मैं आवर्स पे जाता हूँ, ऑन किया मैंने, आ रहे हैं सारे आवर्स, संडे क्लोज हो गया। बिजनेस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है? सर्विस ऑप्शंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आप दे रहे हैं, तो इसे कर सकते हैं पेंसिल करके। अरे ऑफर्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेफ, इसको जरा मैं पीछे आ जाता, प्रोफाइल को देख लिया, रिव्यूज़ की बात है, रीड रिव्यूज़ का क्या मतलब है? रिव्यूज़ रीड करने हैं, लोग क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप रिव्यूज़ भी लोगों के रीड किया करें और उनको अकॉर्डिंगली, यही बता रहा था ना कि भाई उनको इंगेज करना है आपने। अगर कोई अच्छा रिव्यू करे तो उसे एक्नॉलेज करना है, अगर कोई बुरा रिव्यू दे तो उसे पूछना है कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, आप उससे रब्ता करें, मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करा, फिर उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाना है और फिर उस रिव्यू को कन्वर्ट कराना है 5 स्टार में। तो इसका मतलब इसके लिए रिव्यूज पढ़ने पड़ेंगे ना, पढ़े बगैर तो नहीं कर सकते ये काम। ये क्या लिखा हुआ है जी? मैसेजेस। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप मैसेजेस को भी ऑन कर सकते हैं। अब ये कौन से मैसेजेस हैं जो लोग आपकी प्रोफाइल पर आते हैं और वहां से आपको मैसेज करते हैं कि भाई मुझे आपकी सर्विस चाहिए। इस मैसेज, ये मैसेज कहाँ आएगा? प्रोफाइल में आएगा, लेकिन इसकी इंटीमेशन कहाँ होगी? इसकी इंटीमेशन आपको ईमेल पे होगी, जीमेल पे आपको आएगा कि भाई एक बंदे ने आपको प्रोफाइल पे मैसेज किया, उसको देख लेगा। तो इसको भी हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी ये सर्विस ऑफ कर देगा, यानी मैसेजेस को डिसेबल कर देगा। हाँ, ये देखते हैं, क्लिक किया मैंने, क्या आ रहा है मैसेज? टर्न ऑन। ऑलरेडी ऑन है वैसे ये, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? सेट FAQs फॉर कस्टमर्स। इसका क्या मतलब है? खुद से ही कुछ क्वेश्चंस और आंसर सेट करके रखते हैं, भाई कस्टमर ये भी पूछ सकता है, तो यहां पर आप खुद से भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, कब आ गया, कहता है क्वेश्चन की क्या बताना है और उसका यहाँ पर जवाब भी बता दो, ठीक है। कोई बंदा पूछता है मुझे, व्हाट इज योर बिजनेस लोकेशन, ये कैसे? मैं पूछता हूँ कि कोई भी बंदा मुझे देखेगा तो उसके जहन में सबसे पहले आएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ
ऑफिस लोकेटेड एट ताजपुरा स्कीम लाहौर। मैं इस तरह मैं उसके लिए क्वेश्चन बना सकता हूँ, इसी तरह मैं डिजिटल मार्केटिंग के भी जो उसके जरिए सवाल आ सकते हैं वो भी मैं आज के लिए सवालों के जवाब बनाकर यहाँ पे रख दूँ, ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो मैं से पूछना चाहता हूँ और उसको पहले से उनके जवाब मिल जाए। हाँ, कोई ऐसी बात हो जो वो नहीं पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन की तरफ में मुझसे कर लेगा, बाकी चीज़ों के आंसर उसको यहीं से मिल जाएंगे, उसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, चलो वापस आ जाए। एक से एक किया मैंने अभी, बंद करें इसको। एडवर्टाइज का क्या मतलब है? गूगल एड्स। अब देखें गूगल एड कहाँ चलती है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, पढ़ना है अभी हमने। गूगल एड कहाँ चलती है? सर्च इंजन पे। गूगल एड कहाँ चलती है? यूट्यूब पर। गूगल एड कहाँ चलती है? वेबसाइट पर। लेकिन गूगल एड प्लेसेस पर भी चलती है, लेकिन प्लेसेस पर जो गूगल एड चलती है वो प्लेसेस की एड ही होती है। यानी एक बंदे ने अपनी लोकेशन बनाई हुई है लेकिन उसने ऑप्टिमाइज नहीं की, जिसका क्या मतलब होगा वो पहले तीन पोजिशन पर तो नहीं आ रहा। अब जब उसने गूगल एड चलाया अपने लोकेशन का तो क्या होगा, जो भी पहली तीन पोजीशन होंगी उससे ऊपर वो नजर आएगा और उस पर लिखा होगा ऐड, लेकिन वो पेड है, वो पेड है। यानी वो तब तक नजर आता रहेगा जब तक उसका बजट है। अगर उसने 1000 रुपया लगाया तो 1000 रुपये के ऊपर से जितने क्लिक्स वहाँ से मिलने हैं या जितने इंप्रेशन मिलने हैं उस वगैरह नजर आएगा। जैसे उसके 1000 रुपये पूरे होंगे वहाँ से नजर आना बंद हो जाएगा वो, ठीक है। सो एडवर्टाइज अगर आपने करना हो तो यहाँ से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं और ये हम सीखेंगे उसमें जाकर गूगल एड्स में। ये गूगल एड्स का टॉपिक है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ऐड फोटोज, अच्छी क्वालिटी की फोटोज आपने इस पे ऐड करनी है। अच्छा, अब इसकी फोटोज और इसकी पोस्ट दूसरे सोशल मीडिया की तरह नहीं आपने समझ ली, फर्क है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह की पोस्ट लगाऊंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सस्पेंड कर देगा, क्योंकि ये है बिजनेस प्रोफाइल। कह रहे हैं ये तो बिजनेस प्रोफाइल है भाई, यहाँ पर जो तस्वीरें होनी चाहिए ना बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब आप दफ्तर में बैठे हुए क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग चल रही है, स्वाइल तस्वीर खींच के लगा दें। मैं कॉलेज में बैठा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, कोई मैंने 20 सेकंड की एक वीडियो बनाई लगा दी, 15 सेकंड की वीडियो बनाई लगा दी। एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है, एक बंदा फोटोशूट कर रहा है, उसने कोई 50-60 तस्वीरें खींची हैं सेमिनार की, लगा दी, फाइन। लेकिन 14 अगस्त आ रहा है तो उसकी फोटो लगाना, जुम्मा मुबारक की फोटो लगाना, ठीक है, किसी को बर्थडे विश करना, ये इसका काम है। इस तरह की पोस्ट ओके का ये आपको कहते हैं, यहाँ पर आपने अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है अबाउट योर प्रोडक्ट, बस कहते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है आपने, चाहे वो टेक्सुअल फॉर्म में दें चाहे वो ग्राफिक फॉर्म में दें, लेकिन आपने देनी बिजनेस इंफॉर्मेशन। अगर नहीं देंगे तो वो उनको रिजेक्ट करता जाए। समझ आ गई बात? चलो, सो इसका मतलब यहाँ से फोटोज ऐड होंगी तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे इस पर क्लिक करना है। अब मैं कर क्या सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास जो फोटोज हैं, मेरे जितने कीवर्ड हैं ना, मैं जब भी फोटो लगाने लगता हूँ ना तो मैं उनके ऊपर कोई ना कोई कैप्शन लगा देता हूँ, कीवर्ड्स कैप्शन। जो मैंने अभी अपनी सर्विसेज ऐड की थी ना, वहाँ में मेरे कीवर्ड्स थे ना सारे, कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, सारे कीवर्ड्स हैं, तो मैं अपनी तस्वीरों में भी अपनी कैप्शन लगा दूँ। तो जब मैं फ्रीक्वेंटली ये काम करूँगा, ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर हो गया एक, यानी दूसरों की तस्वीरों में तो नहीं लगा होगा ना ये कैप्शन, मेरी तस्वीरों में कैप्शन लगी होगी, तो जब वो टेक्स्ट कोई ढूंढ रहा होगा उसको मेरी सर्विसेज में भी टेक्स्ट नजर आ जाएगा, उसको वही टेक्स्ट मेरी तस्वीरों में भी नजर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं टॉप पे जाऊंगा उससे कि सब वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, किताबों की तो चीज़ें नहीं है, ये रियल लाइफ की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें जो मैंने इंप्लीमेंट की हुई हैं खुद से, जिनको मैंने इंप्लीमेंट करके चीज़ों को रैंक किया होगा। अच्छा, उसके बाद देखें फोटो में क्या कहता है, फोटो लोगो कवर फोटो, फोटो ये आपने अगली क्लास में आकर मुझे बताना है, क्या बताना है, चैट जीपीटी से या गूगल से इंफॉर्मेशन लेके बताना है मुझे कि भाई फोटो किस साइज़ की होनी चाहिए, लोगो किस साइज़ का होना चाहिए और कवर फोटो किस साइज़ का होना चाहिए। या आपने अगली क्लास में चैट जीपीटी में जाना है, उसे पूछ लेना, कितने क्वेश्चंस किए थे पिछली क्लास में, किए थे ना मैंने, सब बताई जा रहा था मुझे। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल फोटो, व्हाट इज़ द साइज ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कवर फोटो, वो बताएगा। उसी तरह की इमेजेस बनाकर आपने यहाँ से ऐड करते जाने, आपकी फोटोज बहुत सारी हो सकती हैं, आपका लोगो एक होगा, आपका कवर फोटो एक होगा, लेकिन फोटोज यानी कवर फोटो क्या है, आपकी प्रोफाइल किसी को जब नजर आएगी, जो तस्वीर नजर आ रही थी ना हमें, दैट इज कवर फोटो।
जब भी मैंने पिज़्ज़ा हट खोला था तो एक तस्वीर नज़र आई थी बड़ी सी आपको, और उसके साथ थोड़ी सी लोकेशन नज़र आई थी, और फिर मैं नीचे आ गया था। वो जो तस्वीर थी इस कवर फोटो, और उस कवर फोटो के साथ ही एक छोटा सा लोगो भी था पिज़्ज़ा हट का, वो लोगो था। यानी एक कवर फोटो, एक लोगो, बहुत अच्छी क्वालिटी की कवर फोटो लगानी है, अच्छी तस्वीर शूट करवा सके तो अच्छी बात है, ठीक है। वो उसको ये भी पसंद करता है कि आपकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो पता लग गया यहाँ से क्या होगा। ये क्या है परफॉर्मेंस, अगर आपने देखना होगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। सारे रिजल्ट दिखाएगा यहाँ पे, देखिए क्या कहता है, ओवरव्यू, कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ यहाँ से पता लगेगा। जितनी प्रोफाइल आपकी बढ़ती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, सारे एनालिसिस होंगे, और ये सब पेड नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आएंगी अनपेड होगी। कितने लोगों ने आपसे डायरेक्शन ली है, यहाँ पर डायरेक्शन की भी ऑप्शन होनी चाहिए। क्या क्या ऑप्शन आ रही है, बुकिंग की आ रही है, वेबसाइट क्लिक की आ रही है, वो मेरा ख्याल है मैंने लोकेशन ऑफ की हुई है, वो ऑन करनी है ना, अभी बनाई थी मैंने, बिल्कुल ये अभी न्यू प्रोफाइल है। अच्छा ये भी हो गया। क्वेश्चन एंड आंसर्स ये भी हो गया। बुकिंग, अगर आपने अपना कोई बुकिंग का टैब बनाना है, यानी आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि किसी बंदे ने, जैसे मैं कहता हूँ डॉक्टर है कोई, उसकी एक वेबसाइट है, उससे कहा कि भाई किसी ने मेरे पास आना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आए, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेबसाइट पर एक बुकिंग का बटन बना होगा, तो हम यहाँ बुकिंग से जाकर उस बटन का लिंक उसको दे देंगे, अभी किसी ने अगर बुकिंग करवानी हो तो इस लिंक पर क्लिक करें तो वहाँ से वो बुकिंग करवा देगा, ठीक है। ये भी गूगल पसंद करता है, यानी ये बेसिकली अगर हम इनको कुछ छेड़ेंगे ही नहीं तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी ना, प्रोफाइल बनी होगी, ऑप्टिमाइज नहीं होगी। अच्छा, आस्क फॉर रिव्यूज, ये क्या है, ये मैं भी आपको भेजता हूँ, आपको पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है। PLHR 38, यहाँ से मेरा व्हाट्सएप खुलेगा। अब मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है कि भाई अपना रिव्यू दो, कैसा लगा आपको मुझसे पढ़ते हैं, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको लिंक भेजूंगा ना अपनी प्रोफाइल का, ताकि आप उस पर क्लिक करें और सीधे रिव्यू में चले जाएँ, क्योंकि हमने जिस बंदे से रिव्यू लेना, उसने डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं की हुई ना, वो तो एक आम यूज़र है, तो वो पूरी की पूरी साइंस तो नहीं समझता होगा कि मुझे कहाँ से कहाँ जाकर रिव्यू देना है, तो इसलिए हम उसको लिंक भेज देंगे, हम उसे कहेंगे भाई इस लिंक पे क्लिक करना, वो सीधा उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसको 5 स्टार्स नजर आएंगे, स्टार सेलेक्ट करेगा, डिस्क्रिप्शन लिखेगा, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, अगर उसने कोई तस्वीर लगानी है तस्वीर लगाएगा, पोस्ट करेगा। हाँ, नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन नंबर से तो बुकिंग नहीं ना होगी, नंबर तो वैसे ही चल रहा है ना हमारा, वेबसाइट पे हमारी प्रोफाइल पे नंबर ही है, मैं कोई पोस्ट लगाऊंगा नीचे नंबर ही, अभी भी मतलब मेरी पोस्ट देखेगा नीचे कॉल का बटन बना होगा। बुकिंग बेसिकली URL होता है जहाँ पर हम बुकिंग की एक टेम्पलेट होती है ना, उसमें सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं, हाँ ये वेबसाइट के साथ हम उसको लिंक कर देंगे। अच्छा जी, आस्क फॉर रिव्यूज, इस पर क्लिक किया मैंने, आगे देखें ऑप्शन आ रही है ना, कहता है भाई मेल पर किसी को कहना है, व्हाट्सएप पर किसी को कहना है, कि फेसबुक पर कहना है। इस मुश्किल से बचने के लिए क्या करें, कॉपी कर लें इसको लिंक को सिर्फ, ठीक है, इसको लिंक को मैंने कॉपी किया और यहाँ से हम आ जाते हैं, देखते हैं खुल गया व्हाट्सएप। बस यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, पेस्ट कर देना है आपके ग्रुप में लिंक, इसे खुलने उसकी शक्ल और देख लेते हैं थोड़ी सी। ले ये भी हो गया, ये भी खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक और ऑप्शन आ रही है, ऐड अपडेट, इसका क्या मतलब है, फोटोज़ में तो हम दे ही दें ना, फोटोज लगाई जा रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि आप अपने कस्टमर्स को अपडेट्स भी दे सकते हैं अपने बिजनेस के मतलब, ठीक है, वो वाली अपडेट टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकती है और तस्वीर की शक्ल में भी हो सकती है और वीडियो की शक्ल में भी हो सकती है। कैसे, वीडियो कितनी बड़ी लगानी है हमने, इसकी अगली एक और क्लास लेंगे, ठीक है, एक क्लास और करेंगे, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने नहीं खोला था ना, वो नोट्स नहीं खोले थे, वो खोल और एक दो अपडेट्स लगा कर देखेंगे, पोस्ट लगा कर देखेंगे, ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा। ऐड अपडेट क्या कहता है, पोस्ट अपडेट फॉर योर कस्टमर्स ऑन गूगल, इसमें आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, क्या नया दे रहे हैं, जैसे पीक सोशल वाले भाई 10 दिनों के बाद नया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है, पोस्ट बनाई है इन्होंने फेसबुक के लिए, वो स्केयर शेप की जो पोस्ट है यहाँ पे लगा दें अपडेट की शक्ल में। लेकिन गूगल पसंद क्या करता है, गूगल ये पसंद करता है क्या, ऑफर,
कहता है भाई आपने कुछ अगर देना है तो ऑफर की शक्ल में देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी आप गूगल पर ऑफर दें कि भाई कोई भी बंदा ये ऑफर कैश करना चाहता है तो हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे, तो गूगल को अच्छा लगेगा। और यहाँ पर वो आपको ये भी चॉइस देगा कि आप उसका कोई कोड भी बना लें, कूपन कोड भी बना लें कि जिसने ये डिस्काउंट लेना है वो ये वाला कोड बताए, ताकि हमें भी पता लग जाए कि ये ट्रैफिक कहाँ से जनरेट हुई है, गूगल से जनरेट हुई है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, पहले देखिएगा ज़रा क्या आता है। आ गया, यहाँ पर क्या आएगी तस्वीर, यहाँ पर क्या आएगी डिस्क्रिप्शन, कितनी बड़ी 1500। अब आप देखिए 1500 कैरेक्टर्स में मैं कुछ लिख रहा हूँ, और अगर मैंने ये वाली पोस्ट कोई लगाई होगी 50-60 तो 50-60 दफ़ा मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। अगर मैंने 100 दफ़ा लगाई होगी, 100 पोस्ट होंगी तो 100 दफ़ा लिखी होगी। और अगर वक्त गुजरता जा रहा है और मेरी पोस्ट की तादाद होगी 1000, इतना सारा जब टेक्स्ट लिखा होगा तो ऑप्टिमाइज होगा कि नहीं होगा, फिर वो गूगल आपको कंसिडर करना शुरू हो जाएगा। सर ये 1500 कैरेक्टर्स, ये 1500 कैरेक्टर्स से कम भी लिख सकता है या? हाँ, मैंने कहता है कि मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स, ठीक है, कम भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है आगे, ऐड बटन, इसका क्या मतलब है, इस पर है ये बटन है, नन बुकिंग ऑर्डर ऑनलाइन बाय। बाय का क्या मतलब है भाई, आपकी अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी और उसकी प्रमोशन आप यहाँ चला रहे हैं तो बाय पर जाएं, उसको उस लिंक पर क्लिक कर दें, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें जहाँ से उसने परचेज कर दें। फिर क्या कह रहा है, साइन अप लर्न मोर, आखिर में देखें क्या है, कॉल नो का क्या मतलब है, आपने प्रोफाइल बनाई, अपना ही मोबाइल नंबर बताकर प्रोफाइल बनाई, तो जब मैं कॉल नो करूँगा तो जिस नंबर से आपने प्रोफाइल बनाई है उस नंबर पर कॉल आएगी, और जब वो बंदा आपकी तस्वीर को देखेगा तो उसके नीचे कॉल का बटन बना होगा, जब वो कॉल का बटन दबाएगा तो सीधा डायलर पर चला जाएगा मोबाइल के, और उधर से डायरेक्ट फोन हो जाएगा, और ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये होगी, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा क्या था, इवेंट ऑफर, ऑफर की बात देखिए, ऑफर भी पोस्ट की तरह ही है, इसमें भी तस्वीर आएगी, इसमें भी कॉन्टेंट आएगा। देखें ऑफर टाइटल, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कह रहा मुझे बता दें भाई आपकी ऑफर कब शुरू होनी है, कब खत्म होनी है, ठीक है, ताकि उतने दिनों के लिए हो ना। उसके बाद आगे क्या कहता है, एंडिंग डेट, ऐड मोर ऑप्शंस, आगे देखें जरा, ऑफर डिटेल्स वही 1500 कैरेक्टर, फिर आगे वाउचर कोड, अगर आपने उसे कोई कोड देना है इसके लिए कि भाई ऐसे नहीं है कोई भी बंदा आकर कह दे 500 रुपये का मुझे डिस्काउंट दे दे, आप उसे कहेंगे आप जहाँ पर हमने ये ऑफर लगाई थी ना वहाँ पर हमने आपको एक वाउचर कोड दिया था वो बताएं, ठीक है। अच्छा फिर क्या कर देंगे, इसको पोस्ट, यहाँ पर तस्वीर लगा दी हमने, लेकिन ये क्या होगा, ये ऑफर आपकी एक्सपायर हो जाएगी इस डेट के बाद। चलो इसको ख़त्म नहीं करते आज, बाकी की चीज़ों को अगली क्लास के लिए रहने देते हैं, ठीक है। ये अभी हमने देखा, ये जो कुछ आज मैंने जो कुछ बता रहा हूँ ये सब क्या बता रहा हूँ, ऑप्टिमाइज करने के तरीके बता रहा हूँ कि भाई ये वो चीज़ें हैं जिन्हें करने के बाद हम अपनी प्रोफाइल को रैंक करवा रहे हैं, कि भाई हमारी प्रोफाइल पहले 3 नंबर पर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको वाइंड अप करेंगे। सो इसका मतलब है कि समझ लेंगे 3-4 लेसन का हमारा ये टॉपिक था, प्रोफाइल बनाई है हमने, प्रोफाइल बनाने के बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन को समझा आज के दिन में भी, और जिनकी जिन्होंने प्रोफाइल बना ली हुई है वो ये सारे जाके तजर्बे उस पर कर सकते हैं। और अगर हमने किसी और को अपनी प्रोफाइल का एक्सेस देना हो, सिर्फ ये एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, सेटिंग्स, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेजर्स। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ पीक सॉल्यूशन वालों ने मुझे हायर किया हुआ है कि भाई मैं उनकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन, अब प्रोफाइल बनी हुई है पीक सॉल्यूशन के अकाउंट से, सो इसका मतलब क्या होगा कि पीक सॉल्यूशन ऑनर है इस प्रोफाइल का, लेकिन उन्होंने मुझसे काम लेना है, तो उन्होंने क्या किया मुझे अपनी प्रोफाइल में मैनेजर बना दिया। इसका मतलब यह है कि मैं अपने जीमेल से उनके जो काम मैं आपको आज सिखा रहा था ये सारे काम मैं अपने जीमेल से कर सकता हूँ, ये है मैनेजर, इसको बोलते हैं मैनेजर। तो आप अगर किसी और को अपनी प्रोफाइल का मैनेजर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सिर्फ जीमेल के थ्रू। सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, ये देखें ऐड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ आकर उसका ईमेल एड्रेस लिख के फिर क्या कर दूंगा, इनवाइट। मैंने क्या बताया कि भाई अगर
अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं जी, हम ये कह रहे हैं किसी और बंदे को हमने टास्क देना है कि भाई आपने हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, जैसे मैं कह रहा था कि प्रैक्टिस करो, बाहर से लड़कों को पकड़ो, अपनी कम्युनिटी में लोग देखें जिनकी शॉप्स हैं, जिनके ऑफिस हैं, जिस दोस्त का कोई ऑफिस है उसको बताएं कि भाई आपकी प्रोफाइल बना देता हूँ भाई फ्री में, आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, उसकी प्रोफाइल बनाएं उसकी लोकेशन पर जाकर और आप उसके मैनेजर बन के आ जाएं घर में। फिर आपको बार बार उसका अकाउंट तो नहीं चाहिए, आप अपने अकाउंट से उसको चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ से ऐड करके यहाँ पर उसका ईमेल यानी अपना ईमेल दोगे, अगर आप उसके अकाउंट से अपने आप को ऐड कर रहे हो ईमेल दोगे, उसके बाद आपने ऑनर तो नहीं बनना ना, आपने तो मैनेजर बनना है, मैनेजर बन के इन्वाइट करना। सर उससे क्या बेनिफिट, उससे ये बेनिफिट होगा कि मुझे पीक सोशल वालों को अपना ईमेल नहीं ना देना पड़ेगा, जो बंदा ये काम कर रहा है, अदरवाइज तो पीक सोशल वालों को अपना जीमेल देना पड़ेगा उसको, कोई भी आपको अपना जीमेल तो नहीं देगा ना, कहेगा भाई ये तो मेरा पर्सनल है, तो आप उसके मैनेजर बन जाएंगे, जब उसका दिल करेगा कि भाई ठीक है सोके दो महीने सर्विसेज लिए अब नहीं चाहिए, आप यहीं से आकर रिमूव भी कर देगा। कैसे रिमूव करेगा, इधर आप भी आ रहे होंगे ना, क्लिक करेंगे रिमूव का ऑप्शन होगा, रिमूव